डेली वॉल पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है अकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्था टाटा देरी चले नहीं, चले नहीं, नहीं, चले चले नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी टाटा पावर आया है टाटा पावर हाय टाटा पावर हाय हाय टाटा पावर हाय हाय टाटा पावर हाय हाय हमारे नुकसान की भरपाई करो 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 हमारे नुकसान की हमारे नुकसान की आज हरिओम कॉलोनी विकास समिति की ओर से गली नंबर आठ में लाइट फ्लक्स की कम ज़्यादा से वोल्टेज से पहले भी कई बार शिकायतें आ है चुकी हैं पहले भी लोगों के विद्युत उपकरण जल चुके लेकिन टाटा पावर को अवगत कराने के बाद भी आज दिनांक तक तो कोई कार्रवाई नहीं कल दिन के टाइम लाइव वोल्टेज की शिकायत की वजह से लोगों के फ्रिज मशीनें टीवी एसी ए कई उपकरण जल गए हमारी प्रशासन से मांग है टाटा पावर से मांग है जिला कलेक्टर से मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से आम नागरिक को भुगत इसका हजाना हाँ, हाँ भुगतना पड़ता है हमारी मांग है जिन लोगों का भी उपकरण जले हैं उनका समाधान होना चाहिए पहले भी, भी, भी हमने मुआवजा मिलना चाहिए इसकी हमने मांग करी है मैंने हजारीबाग के जो सुबोध दीक्षित जी से बात करी है उन्होंने भी कहा है कि हम कल टीम बनाएंगे अवशासन करेंगे का, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो बता रहे हैं कि अभी कार्रवाई होगी जब अगर कार्रवाई नहीं होती तो या आंदोलन उग्र किया जाएगा जिसका जिम्मेदार टाटा पावर स्वयं होगा सागर मीणा सचिव नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन देखिए हम सब मिलकर नोवल बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रूमाल से या टिश्यू से ढकें इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोए भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रूमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए